फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन यूपीएससी चैनल यूपीएससी 101 पर। तो कैसे हैं दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस एनसीईआरटी सीरीज में, जहां पर हम आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं काफी कंसिस्टेंटली डियर फ्रेंड, क्लास 6 से क्लास 12 तक की पॉलिटी विषय की एनसीईआरटी को। और मुझे पूरी आशा है कि अगर आपने इन क्लासेस को अटेंड किया है अभी तक, तो आपको इससे निश्चित रूप से फायदा हो रहा होगा। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटी की एनसीईआरटी, टाइटल है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और उस बुक के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज रीजनल एस्पिरेशन। तो देखो, रीजनल एस्पिरेशन वाला ये जो टॉपिक है, ऑलरेडी इस पर मैं आपके साथ एक क्लास ले चुका हूँ। आशा करता हूँ कि वो क्लास आप लोग को अगर पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आई होगी। और आज इसी सीरीज में अगली क्लास लूंगा और बाकी रीजनल एस्पिरेशन को आपके साथ समझने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग जिन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है, शशिकांत, हेमंत कुमार, सुषमा, गुड़िया त्यागी, सुनील, मेरी आवाज़ आ रही है, पुनीत, शेख, अगर आवाज़ वगैरह प्रॉपरली आ रही है तो एक बार जल्दी से हाँ बोल दो दोस्तों, फिर अपने सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है, ठीक बात है दोस्तों, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट डियर फ्रेंड, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। देखो ये मतलब ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि अल्फा टू चार्ली, ऑल क्लियर, मतलब ये बहुत बढ़िया। अब आज की क्लास में देखो डिस्कस करेंगे किसे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रीजनल एस्पिरेशन का जो अगला भाग है उसके बारे में। देखिए, कुछ रीजनल एस्पिरेशन मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और हमने एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ डिस्कस की कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में राष्ट्र और क्षेत्र को लेकर हमारे पॉलिसी मेकर की अवधारणा क्या रही, उनका आइडिया क्या रहा। तो आइडिया ये था दोस्तों कि जो रीजन्स हैं उनकी डिमांड्स को रेस्पेक्ट दिया जाए, उनकी आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट दिया जाए, एट द सेम टाइम कोई समझौता नहीं होगा राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ। सो वाइल रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, We should protect and promote unity and territorial integrity of our country. That was the idea, dear friend. और यही मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दोस्तों मेरे बारे में और अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये मेरा एजुकेटर कोड है जिसका यूज आप कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के दौरान, कॉम्बैट के दौरान, स्पेशल क्लासेस के दौरान डियर फ्रेंड, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के दौरान इसका आप यूज कर सकते हैं। अब देखो, पिछली क्लास में हमने आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस की और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में तरह तरह के चैलेंजेस देश के सामने थे और शुरुआत के जो 20-25 साल थे उन चैलेंजेस को हमने टैकल किया। डोमेस्टिक फ्रंट पर बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे एक्सटर्नल फ्रंट पर, उन्हें टैकल किया गया। बट ये जो क्षेत्रीयता की बात है, जो एक सन ऑफ सॉयल पॉलिसी की बात है, ये जो सन ऑफ सॉयल मूवमेंट की बात है, या क्षेत्र विशेष के साथ लोगों के जुड़कर देखने की बात है, तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस की थी कि जनरली जब आप रीजन की बात करते हैं तो आपको एक फिजिकल लैंड मास लगता है रीजन, बट रियलिटी में ये एक सोशियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट है। जब उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक पहचान के आधार पर उस क्षेत्र के साथ खुद को जोड़कर देखने लगते हैं, उन्हें लगता है कि यही उनकी पहली आइडेंटिटी है, एंड देन एनीथिंग एल्स कम्स। सो यू स्टार्ट कंसिडरिंग रीजन नॉट जस्ट एज अ जियोग्राफिकल लैंड मास, आपके लिए वो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, उसके साथ आपकी सेंसिटिविटीज जुड़ जाती हैं और आप खुद को और दूसरों को अलग देखने लगते हैं। आप इस तरह से सोचने लगते हैं कि इस रीजन में रहने वाले लोग और उस रीजन में रहने वाले लोग, एज इफ यू आर डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट। ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी, अगर समझ में आया था तो एक बार जरूर हाँ बोलिएगा दोस्तों। यहां तक चीजें समझ में आ गई थी, नंदिनी, गुड़िया, मिनी, कृष्णमणि त्रिपाठी, हेमंत भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई थी कि कैसे। देखिए, ये जो रीजन जो कि एक
जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, कैसे एक सोशियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है बन जाता है। और हमने आपके साथ बात की थी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे पार्टीशन के बाद जब अलग अलग देसी रियासतें उनके सामने कुछ च्वाइस थी, तो कैसे राजा हरि सिंह ऑफ JNK वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज हिज च्वाइस इमीडिएटली, और वो क्या परिस्थितियां थी जिसके अंदर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को क्या किया था, साइन किया था, JNK भारत का भाग बना, कैसे पाकिस्तान ने इसे हड़पने की, कैप्चर करने की कोशिश की, कैसे भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया, और कैसे ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन में पहुंचा, कैसे इस मुद्दे पर कोई प्लेबिसाइट नहीं हो पाया, और कैसे भारत और पाकिस्तान इस मुद्दे पर एक एग्रीमेंट रखते हैं कि हम इस पर डिसएग्रीमेंट रखते हैं, मतलब एक तरह का एग्रीड फॉर्मूला कि हम इस मुद्दे पर डिसएग्री करते हैं, दोनों ये बोलते हैं कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है, भारत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेसिस पर बोलते हैं, कुछ कागजातों के आधार पर बोलते हैं, पाकिस्तान बोलते हैं कि है तो है, हाँ ये हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है और विवाद अभी भी क्या है बना हुआ है। हालांकि हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे JNK के केस में, आर्टिकल 370 की बात की और अब आर्टिकल 370 को हटा भी दिया गया है। अगला जो क्षेत्र है पंजाब के बारे में आपके साथ बात करेंगे, पंजाब में अभी देखिए न्यूज़ में चल रहा है, पंजाब में चुनाव भी हो रहे हैं, तो पंजाब के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और पंजाब से किस तरह की रीजनल एस्पिरेशंस आ रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए लास्ट क्लास वाली चीज़ें मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ऑल राइट डियर फ्रेंड, ऑल राइट, तो लास्ट क्लास की चीज़ें अगर समझ में आ गई थी तो आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, आज की क्लास में बात करेंगे पंजाब के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, सिक्किम के मर्जर के बारे में और गोवा के लिबरेशन के बारे में। इनके बारे में आज क्या होने वाली है, चर्चा होने वाली है, और इसके बारे में हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि 1980s में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कहाँ पर, पंजाब में, बट इसका एक बैकग्राउंड है, इसका एक बैकग्राउंड है। तो अगर आप प्री इंडिपेंडेंट की बात करें तो पंजाब का जो सूबा था डियर फ्रेंड, इसमें एक तरह का ट्रायंगुलर कम्युनलिज्म था। ट्रायंगुलर कम्युनलिज्म मीन्स हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे और सिख कम्युनिटी के भी लोग थे डियर फ्रेंड। एक टाइम पर आप हिस्ट्री में बात करते हैं कूका मूवमेंट के बारे में, एक टाइम पर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं वहाबी मूवमेंट के बारे में। तो ये उन मूवमेंट्स के द्वारा धार्मिक आधार पर लोगों का पॉलिटिसाइजेशन पहले से ही हो चुका था, और 1920 और 30 का जो दौर था ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया डियर फ्रेंड, एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट पंजाब में इमर्ज हुआ, और वो मूवमेंट था डियर फ्रेंड, हाँ आप में से कोई बता पाएगा, हाँ गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। और उस मूवमेंट के द्वारा एक संगठन सामने आया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डियर फ्रेंड। इस संगठन की क्या हुई, संरचना हुई, जिसका काम था कि सिख गुरुद्वारों को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ही सिख कम्युनिटी का पॉलिटिसाइजेशन हुआ, पंजाब में सिखों का पॉलिटिसाइजेशन हुआ, और जब धीरे धीरे पाकिस्तान मूवमेंट इमर्ज होने लगा 1937 के बाद, जब लीग ये डिमांड करने लगे कि जो भविष्य का पाकिस्तान होगा उसमें पंजाब का भी एक हिस्सा होगा, तो ये सिखों और हिंदुओं ने खुद को यूनाइट किया अगेंस्ट होम, हाँ दीज डिमांड्स ऑफ वॉर सेपरेशन, बट एक कम्युनल माहौल प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ही वहाँ पर क्या हो रहा था, इमर्ज हो रहा था। जब पार्टीशन हुआ डियर फ्रेंड, पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के टाइम पर भी देखिए कुछ लीडर्स लाइक मास्टर तारा सिंह, उनका ये कहना था कि देखिए लीग एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, और शायद इस वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग गांधी जी, नेहरू जी, वो सब जिन्ना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम भी माइनॉरिटी हैं, हम तो ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, पर जस्ट बिकॉज हम ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं हम पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो सिख दे आर डिप्राइव्ड, सिख दे आर ऑप्रेस लॉट, और सिख दे आर नेग्लेक्टेड लॉट, ऐसा कहने लगे कौन, मास्टर तारा सिंह। तो देखिए धीरे धीरे ये जो भावना थी कि एक कम्युनिटी अगर सेपरेटिज्म की बात कर रहा है तो उसको बहुत ध्यान से सुना जा रहा था, निगोशिएट किया जा रहा था अंग्रेजों के भी द्वारा, भारतीय नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के भी द्वारा, और हम अगर ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं तो हमें इस तरह से सेंसिटिविटी के साथ देखा नहीं जा रहा है। बट पार्टीशन के दौर में भी देखिए जो सिख कम्युनिटी के जो लीडर्स है वो इस बात से कन्विंस रहे कि उनके जो हित हैं
वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में सुरक्षित रहेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में सुरक्षित रहेंगे। तो सिख कम्युनिटी या जो अकाली दल जो उनका एक प्रमुख राजनीतिक दल था, वो इस बात को लेकर कन्विंस रहे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भारत में सिखों को बराबरी का दर्जा मिलेगा और कोई मुद्दा नहीं होगा। डियर फ्रेंड, बट जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की सिचुएशन बनी और राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, तो एक डिमांड आई कि पंजाबी बोलने वालों के लिए भी एक पंजाबी सूबा होना चाहिए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो पंजाब था 1966 से पहले, उसमें पंजाब और हरियाणा दोनों हुआ करते थे, पर एक डिमांड रेज हुई कि एक सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग सूबा भी होना चाहिए। और जब पहली बार आप ये रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर 1956 में आपने जो रीऑर्गेनाइजेशन किया, तब पंजाब को एक अलग सूबा नहीं बनाया गया। ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यहां तक चीज समझ पा रहे हैं दोस्तों? टेलियर एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये पंजाब को एक सेपरेट सूबा नहीं बनाया गया, और ये नहीं बनाने के पीछे अलग अलग लॉजिक थे। नेहरू जी बोल रहे थे कि ये जो डिमांड है सेपरेट पंजाबी सूबा बनाने की, ये सही नहीं है, हम इसको एक कम्युनल डिमांड के रूप में देख रहे हैं। ये लैंग्वेज के डिस्गाइज में धर्म के आधार पर प्रोविंस बनाने की क्या है डिमांड है, और पार्टीशन के जो घाव हैं वो बहुत ही गहरे हैं। हम ऐसे किसी मुद्दे पर कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे, ऐसे किसी मुद्दे पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बट हाँ, यदि कोई ऐसी बात है कि सिखों का रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में, न्यायपालिका में, आर्म फोर्सेज में, पॉलिटिकल फील्ड में अगर कम है, इससे बढ़ाने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। तो ये कहना था किसका? नेहरू जी का। तो ये हालांकि भाषा के आधार पर प्रोविंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में ये आपने पढ़ा है, बट पंजाब अलग राज्य बन के आ रहा है 1966 में। तो यहाँ पर एक बात की जा रही है कि पोस्ट पार्टीशन जो सामाजिक संरचना थी पंजाब की, वो बदली। डियर फ्रेंड, पार्टीशन के बाद, देखिए पार्टीशन के पहले यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कम्युनलिज्म था, और पार्टीशन के बाद यहाँ पर एक दूसरे तरीके का कम्युनलिज्म आ गया। पार्टीशन के पहले मुस्लिम्स सिंस डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट पाकिस्तान की, जिसमें पंजाब का भी एक हिस्सा जाने वाला था, तो उस समय कहीं ना कहीं हिंदूज और सिख यूनाइट हो रहे थे, वो इस तरह से प्रोजेक्ट करके देख रहे थे। बट पार्टीशन के बाद सिंस जो पार्ट पंजाब का हमारे पास रहा, उसमें दो मेजर कम्युनिटीज हैं, हिंदूज और सिख, तो ये एक तरह से दूसरे तरीके का कम्युनलिज्म है। तो सामाजिक संरचना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और उसके बाद एक सेपरेट सूबा बनाया जा रहा है 1966 में इंदिरा गांधी जी के दौर में। एक सेपरेट सूबा बनाया गया, कौन सा? पंजाब का। तो ये पंजाब सूबा तो बन गया, बट ये जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ सिख कम्युनिटी का इस पूरे दौर में 1947 से लेकर 66 तक, देखिए उस पॉलिटिसाइजेशन की वजह से पंजाब सूबा बनने के बाद भी कुछ मुद्दे बने रहे। डियर फ्रेंड, हाँ, अकाली दल का कहना था कि बहुत सारे पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं, हाँ, दूसरे राज्यों के, शायद हिमाचल का होगा या उत्तराखंड जिसे आज आप बोलते हैं, उन्हें भी पंजाब में क्या किया जाए, मिक्स किया जाए, चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, हाँ, सिखों का रिप्रेजेंटेशन आर्म फोर्सेज में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और सिखों के लिए धर्म और राजनीति कोई अलग मामला नहीं है, इस तरह की डिमांड्स रेज की जा रही थी। और इसी बैकग्राउंड में डियर फ्रेंड, दो बार यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकाली दल सत्ता में आ रहे हैं। एक बार तो आप देख पा रहे हैं 1977 में इमरजेंसी इंड होने के जस्ट बाद, और अकालीज ने देखिए 1973 में एक फेमस रिजोल्यूशन पास किया जिसको आनंदपुर रिजोल्यूशन बोल रहे हैं। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के द्वारा, अकाली दल के द्वारा ये डिमांड की गई कि भैया पंजाब तो सूबा तो बन गया है, पर हमारे जो इश्यूज हैं अभी भी बने हुए हैं, हमें और ज़्यादा स्वायत्तता चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन आर्म फोर्सेज में बढ़ना चाहिए, जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं बाकी जगहों पर उन्हें पंजाब में मर्ज कर देना चाहिए, सिखों के लिए धर्म और राजनीति में कोई अलगाव अलग नहीं है, हमें यूनाइट होना चाहिए। तो ये इस तरह की डिमांड्स रेज की गई जिन्हें कांग्रेस ने माना कि ये कहीं ना कहीं कम्युनल डिमांड्स हैं। इस तरह की जो डिमांड्स हैं पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को लेकर, ये कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म की तरफ ले जा सकती हैं। तो 1975 से 1977 में जो इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद डियर फ्रेंड
अकालीज अगेन केम टू पावर, अकालीज अगेन केम टू पावर। और देखिए जब ये पावर में आए, जब सरकार चलाने लगे, तो बहुत सारे प्रोमिसेस जो उन्होंने लोगों के किए थे वो फुलफिल नहीं कर पाए। और जब फुलफिल नहीं कर पाए तो पंजाब में मिलिटेंसी का एक दौर आया, एक मिलिटेंसी का दौर आया डियर फ्रेंड, जहाँ पर भिंडर वाले ने अपनी राजनीति स्टार्ट की और उन्होंने बताया कि सिखिज्म खतरे में है, सिख धर्म किसमें है, खतरे में है, और हमें एक डिप्राइव लॉट की तरह से क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन इस तरह से बढ़ी कि मिलिटेंसी पंजाब में क्या हुई, बढ़ी। और ये मिलिटेंसी डियर फ्रेंड, ये मिलिटेंसी एक अलगाववाद के रूप में क्या हुई, उभर कर आई। सरकार ने प्रयास किया, सरकार ने निगोशिएट करने का प्रयास किया, पैसिफाई करने का प्रयास किया, जो मॉडरेट फ्रैक्शन था उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपके जो सेकुलर डिमांड्स हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट ये ऑटोनॉमी की डिमांड, धर्म को राजनीति में मिक्स करने की डिमांड, ये थोड़ा सा सही नहीं है। बट मुद्दा जो था वो शायद सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गया। और एक ऐसी नौबत आई डी एफ में जब आम मिलिटेंट ने सिख धर्म की जो सबसे बड़ी सीट ऑफ पावर है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल, अकाल तख्त, वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो एक ऐसी सिचुएशन बनी जब गोल्डन टेम्पल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया आम मिलिटेंट ने, ये बताया जा रहा है इस बुक में, ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यहां तक चीज समझ पा रहे डियर फ्रेंड? तो ये ऐसी स्थिति में सरकार को आम मिलिटेंट को टैकल करने के लिए आर्मी का सहारा लेना पड़ा। और सिखों का देखिए जो धार्मिक प्लेस है जिसके साथ आस्थाएं जुड़ी हैं, वहां पर देखिए आर्मी का एक ऑपरेशन हुआ, इसे अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। सो जून 1984 में इन मिलिटेंट, आम मिलिटेंट को यहां से बाहर निकालने के लिए सेना की मदद ली गई डियर फ्रेंड, सेना की मदद ली गई, गोलियां चली, लोगों की हत्या हुई, डेथ हुई, ब्लड शेड हुआ, बहुत सारे उसमें मिलिटेंट रहे होंगे, कुछ सिविलियन रहे होंगे, कुछ आर्म फोर्सेस के पर्सनल रहे होंगे। बट ये जो गवर्नमेंट का स्टेप था आर्मी को गोल्डन टेम्पल में इंटर करने का आदेश देना, इससे हुआ क्या दोस्तों, ये आम मिलिटेंट तो बाहर निकल गए, बट कई बार होता क्या है कि मुद्दा ये नहीं होता कि आपने डिमांड्स क्या रेस की। हो सकता है कि आपके डिमांड्स में कोई कमी हो, या आपके डिमांड्स ये संवैधानिक ना हो, या आपके डिमांड्स या डिमांड करने का तरीका अवैध हो, इलीजिटिमेट हो, बट आपकी डिमांड को किस तरह से टैकल किया गया, आपके आंदोलन को कैसे दबाया गया, लोग इसे ज़्यादा याद रखते हैं। तो ये पूरा मुद्दा क्या था, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और कैसे आर्मी को यहाँ पर जाना पड़ा, इससे ज़्यादा लोग इसे याद रखते हैं कि एक टाइम पर इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल के अंदर भी क्या हुई, इंटर हुई, और वहाँ पर ब्लड शेड हुआ। तो इसे हुआ क्या दोस्तों, सिखों की भावनाएं क्या हुई, आहत हुई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्मी कंट्रोल टेम्पल 250 टेररिस्ट एंड 59 जवान्स वर किल्ड, 700 अरेस्टेड। तो ये इस तरह की बात की जा रही है। तो ये इस घटनाक्रम के बाद, इस घटनाक्रम के बाद हुआ क्या, सिख सेंटिमेंट्स वर हर्ड, जिसका इमीडिएट जो रिटेलिएशन हुआ दैट वॉज असैसिनेशन ऑफ मिस इंदिरा गांधी व्हेन शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनकी हत्या हुई और उसके विरोध में सिख विरोधी दंगे पूरे देश में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में क्या हुए, फेल हुए। तो स्थिति आपको सुलझती हुई दिख रही है या स्थिति आपको और कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही है? क्या लग रहा है दोस्तों, मतलब इस पूरे घटनाक्रम से सिचुएशन आपको बेहतर होती हुई दिख रही है या सिचुएशन आपको और खराब होती हुई दिख रही है? अभय कुमार, और कॉम्प्लिकेटेड होती दिख रही है। देखिए हिंसा को आप हिंसा से क्या नहीं कर सकते, शायद सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, मतलब यहां पर आप हिंसा, अगर किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप ने कोई रेडिकल थीम ले ली है, रेडिकल आइडियोलॉजी की तरफ चले गए, तो आप गोली को गोली से शांत करने की कोशिश करते हैं, मुद्दे रह जाते हैं, मुद्दे कई बार रह जाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यार देखो ये जो एंटी सिख राइट हुए उससे ये जो सेंटिमेंट था ये ऑल इंडिया लेवल पर क्या हुआ, बढ़ गया डियर फ्रेंड। सो इंदिरा जी वॉज शॉट एट, ठीक है, एंड कंडीशन इज क्रिटिकल। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया की क्या है हेडिंग है डियर फ्रेंड, इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद भारत में जो सिख विरोधी दंगे हुए
उसी से देखिए सिखों की भावनाएं और ज्यादा क्या हुई आत, और इन सेंटिमेंट्स को पैसिफाई करने के लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ भारत सरकार की तरफ से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी और अकाली दल के बीच में, जहां पर अकाली को यह एश्योरेंस दिया गया कि आपकी जो सेकुलर डिमांड्स हैं, आपकी बाकी जो डिमांड्स हैं उनके प्रति भारत सरकार क्या रहेगी, संवेदनशील रहेगी। तो देखिए इस अकॉर्ड को जो गवर्नमेंट और अकाली के बीच में साइन किया गया, इसे पंजाब अकॉर्ड के नाम से जाना गया। और इसके बाद जाकर पंजाब में सिचुएशन थोड़ा सा क्या हुई, नॉर्मल हुई। तो देखिए ये मुद्दा रहा किसका, पंजाब का। और अभी भी देखिए कभी ना कभी आपको इस तरह की बातें सुनाई देती रहती हैं कि खालिस्तान मूवमेंट, बब्बर खालसा, देखिए संगठन के कुछ टेररिस्ट पकड़ लिए गए। तो ये मुद्दे बने रहे, बट ये जो डिमांड्स थी उसे अकालीज ने गिव अप कर दिया और भारत की जो संवैधानिक प्रोविजन है उसके अंदर इनकी जो डिमांड्स है उन्हें क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो 1984 में पंजाब अकॉर्ड के थ्रू इस मुद्दे को शांत करने का प्रयास किया गया। दूसरी बात जो इस एनसीईआरटी में मेंशन है, दूसरी मतलब तीसरी बात, पहले हमने जेएनके के बारे में थोड़ी सी बात की जो इस बुक में मेंशन है, पंजाब के बारे में थोड़ी सी बात की जो इस बुक में मेंशन है, अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। डियर फ्रेंड, यहां तक चीजें समझ में आ रही है नहीं? सुषमा, सोनाली, प्रद्युम्न यादव, यहां तक समझ पा रहे हैं? गुड़िया त्यागी, कोई डाउट नहीं यहां पे? आशिया परवीन। अब देखिए बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए कई बार आपके माइंड में ऐसा थॉट भी होता है कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, ऐसा भी कई बार लोग बोलते हैं कि सामने है तो ठीक है, सामने नहीं है तो नहीं है। तो वो ऐसा भी होता है कि अगर आप फिजिकली बहुत दूर हैं किसी से तो इमोशनली भी काफ़ी दूर हो जाते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है? मुझे ही ऐसा लग रहा है। तो इट हैपन्स मेनी टाइम। सो देखिए नॉर्थ ईस्ट को आप अगर देखें तो मेनलैंड, अगर आप अगर कैपिटल दिल्ली से देखें तो दिल्ली से जो डिस्टेंस है नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। और नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन स्टेट हैं आज आप सेवन सिस्टर्स के नाम पे जानते हैं, और एक अगर आप इस एरिया की इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप चाइना को देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप भूटान को देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप बांग्लादेश को देख पा रहे हैं, म्यांमार को देख पा रहे हैं। डियर फ्रेंड, तो आप देख पाएंगे कि देखिए एक अच्छा खासा इंटरनेशनल बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, शेयर करता है। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट शेयर अ वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। और दूसरी बात, मेनलैंड के साथ इसका जो कनेक्शन है ये बड़ा ही लिमिटेड टाइप का एरिया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर ट्रेन के थ्रू आपकी एक्सेस नहीं है। डियर फ्रेंड, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जो लिंकेजेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दे वर वेरी वीक लिंकेज, ये बात समझ पा रहे हैं नहीं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो बोल रहे कि परहैप्स, सुनील बोल रहे कि परहैप्स, ठीक बात है। तो लिंकेजेस काफी क्या है, लिस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि देखिए कोई क्षेत्र जब आपकी राजधानी से काफी दूर होता है तो वहां के लोगों के कंसर्न्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी एस्पिरेशंस, उनके मुद्दों के बारे में आप कई बार शायद उतना सेंसिटिव नहीं रहते। दिल्ली के आसपास की कोई घटना है तुरंत ही ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, उत्तर पूर्व की कोई घटना है शायद उसके ब्रेकिंग न्यूज बनने में टाइम लगता है। आज तो इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं और मीडिया चैनल्स उसको पिक कर लेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था डियर फ्रेंड, और इसकी वजह से कई बार आपको ऐसा लगता था कि आप जियोग्राफिकली भी काफी दूर हैं और साइकोलॉजिकली भी आप काफी क्या है, दूर है। डियर फ्रेंड, तो यहां पर बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के केस में तीन तरह के मूवमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक वो मूवमेंट हैं जो ज्यादा स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, दूसरे वो मूवमेंट हैं जो अलगाववाद की बात कर रहे हैं, और तीसरे वो मूवमेंट हैं जो अपनी डेमोग्राफी को, डेमोग्राफिक कंपोजिशन को बाहरी लोगों के आने से, उनके विस्थापन से खतरे में पा रहे हैं। तो तीन तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इस बुक में मेंशन है जिसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। तो बोले तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दैट वॉज विद इन द स्टेट ऑफ आसाम, आसाम यूज टू बी मेजर ब्लॉक, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो आज एक राज्य हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर पार्ट ऑफ व्हाट, आसाम। हुआ क्या डियर फ्रेंड, इन एरियाज में आसाम
के अंदर जो अलग अलग एथनिक कम्युनिटी और लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, देखिए उन्होंने अपनी कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट और एजिटेशंस क्या किए, स्टार्ट किए, जिसकी वजह से हमें नॉर्थ ईस्ट में राज्यों का क्या करना पड़ा, पुनर्गठन करना पड़ा। और ये पुनर्गठन जाकर कंप्लीट हुआ कब, 1972 में फाइनली जाकर ये पुनर्गठन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बोले कि एक अलगाववाद का मूवमेंट भी चला, और अलगाववाद का मूवमेंट यहाँ पर इस बुक में दो राज्यों के बारे में बात की जा रही है, मिजोस और नागास के बारे में। मिजोस के बारे में बताया जा रहा है कि यार 1959 में एक वर्स्ट काइंड ऑफ फेमाइन आया आसाम में, अकाल की एक समस्या हुई, और उस दौरान आसाम की जो सरकार थी उनकी मिजो हिल के जो लोग थे, मिजो कम्युनिटी के जो लोग थे, उनके प्रति उनकी इनसेंसिटिविटी को देखकर, असंवेदनशीलता को देखकर इस एरिया में एक संगठन बना जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। तो मिजो नेशनल फ्रंट नामक संगठन की क्या हुई, हाँ शुरुआत हुई। पर ये इन्होंने डिमांड किया कि मिजो हिल के एरियाज को क्या किया जाए, मिजो हिल के एरियाज को अलग कर दिया जाए। और इसके जो लीडर थे डियर फ्रेंड मिस्टर लाडेन, इनके बारे में बताता हूँ, ठीक है, इनकी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ही इज द फाउंडर एंड लीडर ऑफ व्हाट, मिजो नेशनल फ्रंट, एंड हु बिकेम ए रिबेल आफ्टर फेमाइन ऑफ 1959 एंड लेड ए आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट इंडिया फॉर टू डिकेड। फाइनली 1986 में एक अकॉर्ड, एक एग्रीमेंट इनके साथ सरकार ने क्या किया, साइन किया, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। तो यहां पर बोला क्या जा रहा है, देखिए ये जो मूवमेंट्स इमर्ज हो रहे हैं, जो मिजो राज्य के लिए इमर्ज हुआ, ये शायद एक क्षेत्र विशेष के लोगों के प्रति उस राज्य की जो असंवेदनशीलता थी उसे दर्शाता था। और इस तरह के जो वॉयलेंट मूवमेंट थे फाइनली ये सेटल हुए जब ऐसे जो रिबेल लीडर्स थे उन्हें आपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में क्या दी, जगह दी, और इस वजह से एक नए राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। तो मिजो नेशनल फ्रंट जो एक रिबेल ग्रुप के रूप में फॉर्म हुआ, फाइनली वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बन गया। और उसके जो लीडर थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ही वेंट ऑन टू बिकम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, ठीक बात है। दूसरा जो मूवमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है डियर फ्रेंड, ये नागालैंड के केस में बताया जा रहा है, मिस्टर फिजो डियर फ्रेंड, ही बिकेम द लीडर एंड मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट नागालैंड। इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया किसके लिए, इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए डियर फ्रेंड। नागा हिल्स के जो रीजन थे उन्हें मिलाकर ये बोल रहे थे कि एक सेपरेट नागालैंड बनाया जाए, और नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल की इन्होंने क्या की, शुरुआत की, एंड ही लेड हिड आर्म स्ट्रगल थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम डियर फ्रेंड, ठीक है। और आगे जाकर एक पीसफुल अकॉर्ड साइन हुआ इनके साथ, और इन्होंने बोला कि अपनी जो डिमांड्स हैं, भारत की जो संवैधानिक प्रोविजन है उसी के अंदर ही क्या करेंगे, उसे रखेंगे। अब दूसरा जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हो रहा है आउटसाइडर के अगेंस्ट में, आउटसाइडर के अगेंस्ट में। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो आसाम में हुआ। अगर आसाम की आप लोकेशन देखें तो आप पाएंगे कि इंटरनली एज वेल एज व्हाट एक्सटर्नली, एक्सटर्नली बोल रहे हैं बांग्लादेश से, और इंटरनली बोल रहे हैं नॉर्थ इंडिया से, यूपी से, बिहार से। तो यहाँ से देखिए जो माइग्रेशन का मुद्दा था, इंटरनल माइग्रेशन एज वेल एज व्हाट एक्सटर्नल, आउटसाइड जो से जो माइग्रेशन हो रहा था, उसकी वजह से आसाम में एक मूवमेंट इमर्ज हुआ, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, जो वहाँ के मूल निवासी हैं और जो कौन है, बारी हैं। तो यहाँ पर बोले कि एक संगठन इमर्ज हुआ डियर फ्रेंड, और उस संगठन का नाम था ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। और ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने एक मूवमेंट चलाया कि आसाम फॉर आसमीज, जो आसमीज हैं यहाँ के लोकल जो इनहेबिटेंट हैं उनका आसाम होना चाहिए, और बाहरी लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ डियर फ्रेंड। प्रफुल्ल कुमार मोहंत जिन्होंने इस मूवमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाई, आगे चलकर ये संगठन एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, और यह संगठन सत्ता में आया। प्रफुल्ल कुमार मोहंत जो उस समय यूथ लीडर थे, ही वेंट ऑन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हाट आसाम। तो इस तरीके से ये भी जो एक मूवमेंट था उसे भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में क्या किया गया, अकोमोडेट किया गया। तो मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर, मूवमेंट्स फॉर सेपरेटिज्म, मूवमेंट्स फॉर मोर ऑटोनॉमी, ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों या नहीं? अमन मलिक पूछ रहे हैं कि सर 12th की एक एनसीईआरटी बची हुई है,
अगर आप लोग चाहेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर कुछ और पढ़ाएंगे। ट्वेल्थ की देखो एक एनसीईआरटी और है दोस्तों, और क्लास सिक्स से देखो ये जर्नी हमने स्टार्ट की थी, और लगभग देखो मेरा आइडिया था कि फरवरी खत्म होते होते मैं ये सीरीज आपके साथ कंप्लीट कर लूंगा। शायद हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। अब देखिए बात हो रही है सिक्किम के बारे में, सिक्किम के बारे में हो रही है, ये भी एक आपका राज्य है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज आज दोस्तों, यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं या नहीं? यहां तक कोई डाउट नहीं है? हेमंत बता रहे हैं कि मेनलैंड इंडिया ने कभी ना कभी इग्नोर भी किया। देखो यार ये बात मैंने शुरुआत में हेमंत आपके साथ डिस्कस कर ली थी कि कैसे कई बार विलिंगली और अनविलिंगली ऐसा हो जाता है और आप सभी क्षेत्रों का समान रूप से क्या नहीं कर पाते, डेवलपमेंट नहीं कर पाते, ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर सिक्किम के मर्जर की बात की जा रही है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिक्किम बिकेम प्रोटेक्टरेट। प्रोटेक्टरेट मतलब वैदेशिक संबंध, रक्षा संबंध ये भारत के अंदर रहे, कि सिक्किम के विदेश मामले, सिक्किम के डिफेंस के मामले भारत सरकार मैनेज करेगी। और यहाँ पर शासन बना रहा किसका? शासन बना रहा चोग्याल डायनेस्टी का, इनका शासन बना रहा डीएफए। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे भारत के साथ जुड़ने की जो संभावनाएं हैं, भारत के साथ जुड़ने की जो सेंटिमेंट्स हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग हुए। और सिक्किम में कांग्रेस पार्टी की जड़ें जैसे जैसे मजबूत होती गई, लोगों का एक सेंटिमेंट बनने लगा कि उन्हें भारत के साथ क्या होना चाहिए, विलय करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है डियर फ्रेंड अबाउट ए लीडर, ठीक है, लेंडुप दोर्जी के बारे में। और इन्हें बोला जा रहा है कि लीडर ऑफ डेमोक्रेसी मूवमेंट इन सिक्किम, फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजामंडल मूवमेंट, लेटर ऑन लीडर ऑफ सिक्किम स्टेट कांग्रेस। इन 1962 ही फाउंडेड सिक्किम नेशनल कांग्रेस। After an electoral victory, he led movement for integration and finally Sikkim was integrated, dear friend. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पहला democratic election हुआ सिक्किम में 1974 में, और उस election को इनका जो दल था dear friend, Sikkim Congress it got majority। और जब इनके दल को बहुमत मिला तो उन्होंने assembly में एक resolution pass कर दिया कि हम भारत के साथ क्या चाहते हैं, इंटीग्रेट होना चाहते हैं। तो असेंबली फर्स्ट सॉट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट और देन अप्रैल 1975 पास ए रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर इंटीग्रेशन विद इंडिया। तो बता रहे हैं कि यार ये जब असेंबली ने पास कर दिया तो हरीड मैनर में एक रेफरेंडम कराया गया और लोगों ने बोला कि हाँ हम भारत के साथ क्या होना चाहते हैं, इंटीग्रेट होना चाहते हैं। राजा नाराज हो गए, राजा ने बोला यार हमसे तो आपने पूछा ही नहीं। तो चोग्याल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस मर्जर एंड हिज सपोर्टर एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ बिट्रेयल, उन्होंने सरकार पर धोखे का आरोप लगाया। बट पॉपुलर जो सेंटिमेंट्स हैं, जो वहाँ की असेंबली है, दे वांटेड मर्जर विद इंडिया, वो भारत के साथ मर्जर चाहते थे। तो देखिए लोगों की विश यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए या राजा की विश क्या होना चाहिए? यहाँ तक चाहिए समझ पा रहे हैं दोस्तों? What should be more important, people's wish or monarch wish? तो इस तरह से सिक्किम का मर्जर हो रहा है और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। वहां की असेंबली ने क्या किया, असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया, एक रेफरेंडम कराया गया एंड फाइनली सिक्किम मर्ज विद इंडिया एज 22nd स्टेट इन 1975। ये बात समझ में आ रही है तो दोस्तों घर खुश हो जाओ। यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं तो एक बार जरूर हाँ बोलिएगा। सुषमा बोल रहे हैं लोगों की, शेख बोल रहे हैं लोगों की, ऑल राइट डियर सिंह, ऑल राइट। अब देखिए एक और बात जो इस चैप्टर में लास्ट में मेंशन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डियर सिंह। बट उसके पहले यहां पर बोल रहे हैं कि देखो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जब आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशंस हैं, उन्हें आप रिकॉग्नाइज करें। द मोर यू विल रिकॉग्नाइज, द मोर यू विल अकोमोडेट, द मोर यू विल इंटीग्रेट,
the more you will be sensitive, the more you will be responsive towards these local and regional demands. It will strengthen democracy. यह लोकतंत्र को और ज्यादा क्या करेगा, मजबूत करेगा। ये बात समझ पा रहे दोस्तों या नहीं? Yes or no? यहां तक समझ पा रहे हैं दोस्तों? All ideas. So, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक जो राजनीति है, देखिए इसका ये सबसे बड़ा फायदा है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को क्या करता है, अकोमोडेट करता है। तो बोले कि द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स रीजनल एस्पिरेशन इज थ्रू डेमोक्रेटिक निगोशिएशन। तो मिजोरम के केस में क्या हुआ, निगोशिएशन हुआ। आसाम के केस में क्या हुआ, निगोशिएशन हुआ। पंजाब के केस में क्या हुआ, निगोशिएशन और अकोमोडेशन हुआ। तो देखिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हम केवल इस आधार पर डिनाई नहीं कर सकते कि राष्ट्रवाद के अगेंस्ट में, ये यूनिटी के अगेंस्ट में। इनफैक्ट अगर इन एस्पिरेशंस को हम अकोमोडेट करते हैं विद रीजन, विद लॉजिक, तो ये हमारी यूनिटी को और ज्यादा क्या करेगा, मजबूत करेगा। ये बात समझ पा रहे हो दोस्तों या नहीं? यहां तक अगर चीजें समझ पा रहे हैं तो एक बार जरूर हाँ बोलिएगा दोस्तों। ऑल राइट, अब देखिए बात हो रही है यहां पर गोवा के बारे में। गोवा के बारे में आप में से कुछ लोग कभी गोवा गए होंगे, जो नहीं गए मुझे पूरा भरोसा है कभी ना कभी जाएंगे, अच्छी जगह है, ठीक है। तो देखिए गोवा के लिबरेशन के बारे में बात हो रही है कि 1947 में आपको इंडिपेंडेंस तो मिल गई, ब्रिटिशर्स से आपको लिबरेशन मिल गया, बट गोवा में जो पुर्तगालियों का शासन है, जो पोर्चुगीज का रूल है, वो चलता रहा। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बात है, पूरा देश आजाद हो गया तो गोवा में क्यों नहीं? बोलेंगे इसलिए क्योंकि हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, बड़े ही आशावादी नेता भी थे, राष्ट्रवादी भी थे और आशावादी भी थे। उन्हें लग रहा था कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे हैं तो पुर्तगालियों का क्या, ये तो छोड़ देंगे, ये तो उतनी बड़ी ताकत भी नहीं है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया को लीव कर रहे हैं तो ये पोर्चुगीज जो हैं, पुर्तगाली जो हैं, वो भी सोचेंगे ना कि भैया माहौल क्या चल रहा है, वो भी सोचेंगे कि हम भी जाएं। पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। दूसरा बोलें कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस समय आप पुर्तगालियों को धमका सकते थे कि अब हम इंडिपेंडेंस हो गए हैं, जाइए यहाँ से, हमारे पास अब सेना है अपनी, हाँ कुछ भी कर सकते हैं। बोले ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इट वॉज ए मेम्बर ऑफ नैटो, नैटो का मेम्बर था क्या पुर्तगाल? तो नैटो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अलायंस बना था डियर फ्रेंड, और पुर्तगालियों के साथ गांधी जी का ऐसा मानना था कि अभी गोवा के जो लोग हैं, जो वहाँ के पॉपुलेशन है, वो शायद भारत से मिलने के लिए तैयार नहीं है, अभी उनका सेंटिमेंट इस तरह से नहीं है। वहाँ पर कोई लोकल लेवल पर कोई दल या कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी नहीं चल रहा है जो लोगों को भारत के प्रति क्या करे, उनके सेंटिमेंट को बताए। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, पार्टीशन के बाद की जो स्थिति थी, गोवा के लोगों का जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन था, गोवा नेटो का मेंबर था, इन सारी बातों को देखते हुए भारत सरकार ने उस समय कोई पुलिस एक्शन या मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। ये बात समझ पा रहे हो दोस्तों या नहीं? यहां तक समझ पा रहे हैं दोस्तों? ऑल राइट, मतलब जैसे ही मैं ऐसी कोई बात करता हूं कि आप लोग गोवा गए थे नहीं, मतलब ऐसे मुद्दों पर आप लोग जरूर कमेंट करते हैं, कोई सवाल पूछ लो तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। बट देखिए हुआ क्या, बता रहे कि गोवा में, बता रहे कि इवन दो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया केम टू एन एंड, पोर्चुगीज रिफ्यूज टू विदड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीप ड्यूरिंग देयर लॉन्ग रूल। पोर्चुगीज सप्रेस द पीपल ऑफ गोवा, डिनाइड देम सिविल राइट्स एंड कैरीड आउट फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन। ये सारी चीजें चल रही थी डियर फ्रेंड। तो यहां पर बोलने की फाइनली इन दिसंबर 1961 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट एन आर्मी एंड लिबरेटेड दिस टेरिटरी आफ्टर बेयरली टू डेज ऑफ एक्शन, गोवा दमन एंड दीव इन 1961 दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी थ्रू ऑपरेशन विजय।
तो 1961 में क्या किया गया, ये किया गया डियर फ्रेंड। तो बोले कि इसके बाद वहाँ पर एक और कॉम्प्लिकेशन आ गया डियर फ्रेंड। तो बोले कि देखिए एक जो सेक्शन था वो बोला था कि ये मराठी स्पीकिंग एरिया है, इसे महाराष्ट्र के साथ क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। बाकी लोग चाहते थे कि हमें अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को क्या किया जाए, रखा दिया जाए ठीक। तो बोले कि ए रेफरेंडम लाइक प्रोसीजर वॉज यूज टू असर्टेन पीपल विशेस इन दिस इशू, जहाँ पर मेजोरिटी ने ये बोला कि हम अपनी गोवन आइडेंटिटी को क्या करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। आज भी यदि आप गोवा में जाएं तो वहाँ पर आपको एक मराठी प्रभाव दिखेगा, कल्चर का प्रभाव दिखेगा डियर फ्रेंड, महाराष्ट्रीयन जो कल्चर उसका प्रभाव दिखेगा। बट फाइनली गोवा बिकेम पार्ट ऑफ ऑल इंडिया डियर फ्रेंड, तो गोवा बैक विद द मदरलैंड। सो 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को लिबरेट कराया, और ये जो पोर्चुगीज टेरिटरीज थी गोवा दमन एंड दीप, इनिशियली दे बिकेम यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन। ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों या नहीं? तो आई होप कि यार देखो ये जो टॉपिक था छोटा टॉपिक था बट आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे रीजनल एस्पिरेशंस क्या हुई बड़ी और कैसे इन रीजनल एस्पिरेशंस का क्या हुआ सोल्यूशन हुआ। अगर ये क्लासेस आपको समझ में आ रही है दोस्तों तो आप अनअकैडमी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, जहाँ पर देखिए टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे आप शिक्षा ले सकते हैं। 20% फ्लैट ऑफ का ऑफर है जिसका आप यूज कर सकते हैं। 19 फरवरी तक ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है जिसका फायदा आप उठा सकते हो डियर फ्रेंड। क्रैक UPSC लाइट टेस्ट सीरीज फरवरी 23 तक आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पर 50% ऑफ है और इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। अल्ट्रा कॉम्बैट 27 फरवरी को होने वाला है और बहुत सारी प्राइसेस आप जीत सकते हैं। डोंट मिस, यू कैन एनरोल योर सेल्फ राइट नाउ ऑल्सो डियर फ्रेंड, यू मे यूज दिस कोड दैट इज PSS10। दो तरह के कोर्सेज है, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस में क्या है, पूरे प्लानिंग और पूरे शेड्यूल के साथ आपको तैयारी कराई जाती है। चार्जेज आर 51,990, बट अगर आप इस कोड को यूज करते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जिसे आप अवेल कर सकते हैं। आइकोनिक में एडवांटेजेस मल्टीपल टाइम बढ़ जाते हैं, डेली बेसिस पर मेंस की आंसर राइटिंग और प्रॉपर फीडबैक आपको अवेलेबल है। कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड, ईजी लोन फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है विद 0% इंटरेस्ट पे, लेस टाइम एंड मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो डोंट हेजिटेट एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन एक्सेस दीज फैसिलिटीज ऑल्सो। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।